सुल्तानपुर से आप सांसद संजय सिंह का विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ आगाज। सुल्तानपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर जयसिंहपुर से शुरू किया प्रचार। जिला मीडिया प्रभारी अनुज कुमार दुबे ने बताया कि अभियान जयसिंहपुर के बरौसा में रामनायक तिवारी और कादीपुर में प्रत्याशी सुरेश गौतम के नेतृत्व में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में कुछ लकड़सुंघे आएंगे जो जात धर्म की लकड़ी सुंघाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में जातिगत वोट बैंक नहीं, विकास के वोट बैंक के साथ चुनाव में उतरी है। हमारा वोट बैंक 300 यूनिट की फ्री बिजली चाहने वाली जनता है, अच्छी सच्ची शिक्षा और रोजगार चाहने वाला युवा हमारा वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी के यूपी में आने से मायावती और योगी बौखला गए हैं क्योंकि उनकी जाति धर्म पर राजनीति की रोटी अब यहाँ की जनता नहीं पकने देगी। यूपी की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त, दंगा मुक्त, बलात्कार मुक्त प्रदेश चाहिए। मायावती कहती हैं कि दिल्ली में काम नहीं, उनको कहना चाहता हूँ कि कभी अपने से उतरकर दिल्ली की बसों पर बैठिए। जब मुफ्त यात्रा आपकी होगी तब आप अपना वोट भी आम आदमी पार्टी को देंगी। इसी कड़ी में विपक्ष को घेरते हुए सुल्तानपुर जिले के 188 विधानसभा पद के दावेदार व पार्टी जिलाध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री रहे डॉक्टर संदीप शुक्ला ने कहा कि जयसिंहपुर वही धरती है जो हमेशा मुख्यमंत्री भेजने का काम करती रहती हैं। इस बार यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देकर जात धर्म से ऊपर उठकर अच्छी और मुफ्त चिकित्सा की सरकार चुनेगी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए रविंद्र तिवारी ने भाजपा को ललकारा और कहा चुनाव में आम आदमी पार्टी भाजपा को दिल्ली की तरह स्कूटर पर भेजेगी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।